हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फेवल कैसल का नया टेक्स्ट लाइनर रिफिल के बारे में। तो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि इसका जो प्राइस है अब चेंज हो गया है। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि ये कितने का था, और प्लस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैम ये कहाँ मिलेगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं एक नॉर्मल शॉप से भी लेती हूँ और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। दोनों ही तरफ आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो मैंने ये ऑफलाइन लाया हूँ, मतलब कि मैंने इसे शॉप से लिया है। किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको ये इजिली मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये रहा वो प्रोडक्ट, और ये रहा मैंने एक मार्कर लिया है जिसे मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से रिफिल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मार्कर। तो अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। तो ये रही इसकी डिटेल, ये इसके बारे में पूरा बताया है कि किस तरीके से आपको यूज करना है। उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी प्राइस, ये रही इसकी प्राइस, मैन्युफैक्चर डेट। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट अभी का ही है, एकदम लेटेस्ट। तो इसीलिए मैंने इसको ले आई हूँ डेमो के लिए। तो चलिए अब इसको हम खोल के भी देखते हैं। ये रहा इसका ये बॉक्स। तो आप ये देख सकते हैं ये 25 ml का होता है, इस पर टेक्स्ट लाइनर लिखा भी है, ऑटोमेटिक रिफिल लिखा हुआ है, और ये फेवल कैसल का ही है। तो अब आप ये देख सकते हैं पीछे कुछ भी नहीं प्रिंट है, ये किस तरीके का छोटा सा बॉक्स है, काफ़ी अच्छा है। और मैं इसको एक बार पेन के साइज से भी कंपेयर कर दे रही हूँ बॉक्स, ये देखिए। तो ये छोटे से डब्बे में है इस तरीके से। तो सबसे पहले आपका जो ये रिफिल है, यहाँ से जिस साइड ये लिखा है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना भी है, मैं और पास करती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से आप इस तरीके से ऊपर की ओर, जब ये एक बार ये जब खुल जाएगा, तो ये रही आपकी पेन जिसमें आपको रिफिल करनी है। आप इसको सिर्फ इस तरीके से, ऐसे इसी में आपको ये इस तरीके से, आप जब अच्छे से प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप इस तरीके से खड़ा हो जाएगा इसी में। तो आपको इसे 15-20 मिनट छोड़ देना है, फिर आप देखेंगे कि आपकी रिफिल बिल्कुल न्यू हो गई है। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, और मुझे लगता है ये काफी अच्छा भी है। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ ये हाइलाइटर लेते तो ये आपको 25 रुपीज का पड़ता, अब तो 25 हो गया है, पहले तो फिर भी 20 था। तो अगर आप रिफिल लेते हैं तो देखिये ये 40 रुपीज का ही आपको पड़ रहा है, और आप मिनिमम इसमें 10-12 times तो आराम से, बहुत, मैं ये मिनिमम नंबर बता रही हूँ, इससे मैक्सिमम भी आप जा सकते हैं। तो ये 10-12 बार तो आप मिनिमम यूज कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक हाईलाइटर ले रहे हैं और आप बहुत यूज करते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।